नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां तीर्थनगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंघानी इसका शुभारंभ करेंगे। तीर्थनगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंघानी करेंगे। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक होगा। महोत्सव में योग की बारीकियों के गुर सिखाए जाएंगे, साथ ही मन की शांति, स्वास्थ्य, शरीर के लिए लोगों को एक बेहतर अनुभव मिलेगा। यहाँ आने वाले योग साधक नृत्य संगीत के साथ योग के विभिन्न आयामों पर भी विचार विमर्श करेंगे। योग महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी करेंगे, साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा महोत्सव में योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भरत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, रमामणि अयंकर स्मृति योग संस्थान, केवला धाम, कृष्णा मार्च आचार्य योग मंदिरम और शिवानंद योग स्कूल के प्रशिक्षकों की उपस्थिति में साधक योग की बारीकियां जान सकेंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत तीर्थनगरी ऋषिकेश से की जाएगी। 1 से 7 मार्च तक योग के जो गुर हैं, बारीकियां हैं, वो सिखाई जाएंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, तीर्थनगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी योग महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में कितने लोग इस बार योग सीखने पहुंचेंगे? देखिए, बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए तीर्थनगरी ऋषिकेश में लोग पहुंचने वाले हैं और पहले से ही इसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि राज्य सरकार पहले से इस बात को कह चुकी है कि जो तीर्थनगरी ऋषिकेश है वो उत्तराखंड की योग नगरी है, योग राजधानी है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समारोह हो जाता है, जब तमाम विशेषज्ञ, तमाम योग साधक और तमाम वीआईपी पहुंचते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो कल्चर है, वो भी कहीं ना कहीं विदेशों तक इसका एक मैसेज जाता है और उत्तराखंड का जो खान पान है वो इसका एक मैसेज जाता है। और तमाम जो योगाभ्यास करने वाले योग साधक हैं वो योग की जब क्लास होती है तो उसके दौरान जो प्रशिक्षु हैं वो योगाभ्यास करने वालों को सिखाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए, पर्यटन के लिहाज से लिए और खास तौर पे उत्तराखंड के जो खूबसूरती है उसको बयां करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह में तमाम लोग शिरकत करने वाले हैं। इसकी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे, पर्यटन मंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम जो योग साधक हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल सुनो, तो 1 से 7 मार्च तक यहाँ पर योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। कल से ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी इसकी शुरुआत होगी और योग महोत्सव में तमाम जो वीवीआईपी हैं, कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का यहाँ पर आनंद उठाएंगे। इसके साथ ही जो बारीकियाँ होती हैं योग की वो भी सिखाई जाएंगी और सीएम पुष्कर सिंघानी सहित पर्यटन मंत्री इसका शुभारंभ करने पहुंचेंगे। तो 1 तारीख से 7 मार्च तक योग महोत्सव शुरू रहेगा ऋषिकेश में और हर साल की तरह इस साल भी यहां पर बड़े ही धूमधाम से योग महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। तमाम जो तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। चलिए, बड़ी खबर मिल रही देहरादून से, जहां पीसीएस की परीक्षाएं अब हर साल होंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराएगा। आयोग ने शासन को इसको लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया। आगामी परीक्षा की तैयारी में आयोग जुट गया है। पीसीएस परीक्षा में यूपीएससी का पैटर्न लागू होगा, जल्द ही लागू होगा यूपीएससी का पैटर्न। इसे लेकर अब जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, अब पीसीएस की हर साल परीक्षाएं की जाएंगी? देखिए, अभी हाल ही में जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई है इसमें काफी गैप हो गया था। जो इससे पहले परीक्षा हुई थी वो काफी समय पहले हुई थी, तो ऐसे में ये गैप ना हो और जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको सरकारी सेवाओं में पूरे अवसर प्रदान किए जाएं, इसी परिकल्पना को साकार करते हुए जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, उसने ये प्रारूप तैयार किया है और ये इसका जो है जो खाका तैयार किया है वो शासन को भी भेज दिया गया है इसका प्रस्ताव, ताकि अगली परीक्षा जो है वो तरीके से हो सके। और इसमें खास बात यह है कि जो पीसीएस की जो परीक्षा हो रही है इसमें यूपीएससी का जो पैटर्न है
उसको लागू किया जाएगा। तो एक व्यवस्थित तरीके से परीक्षा होगी। आप अमृता, आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने परीक्षा से जुड़े, पेपर लीक प्रकरण से जुड़े मामले और परीक्षा की तमाम पहलुओं से जुड़े हमने अपडेट्स जो है वो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों तक पहुंचाए। तो ऐसे में जो परीक्षाएं हैं इनको व्यवस्थित किया जा सके, आयोग जो है लगातार जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा से संबंधित उनमें बदलाव कर रहा है और नियम कायदे को और मजबूत कर रहा है। तो ये कोशिश है आयोग की कि आने वाले समय में परीक्षा जो है पूरी तरह से पारदर्शी हो और ईमानदारी से हो, खास तौर पर परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ झाले सामने ना आए। तो व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया गया, शासन की मंजूरी के बाद इस पैटर्न को लागू कर दिया जाएगा और आने वाले समय में नियमित तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सुनो, जिस तरह से पेपर लीक मामले को लेकर कहीं ना कहीं विभाग ने की सीख ली है और व्यवस्थित तरीके से आने वाले दिनों में इसे लागू किया जाएगा, यूपीएससी के पैटर्न से इसे जल्द लागू किया जाएगा। और जिस तरह से जो गैप देखने को मिलता था परीक्षाओं के बीच, अब वो नहीं होगा और हर साल परीक्षाएं की जाएंगी पीसीएस की, विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं अब शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध होंगी ताकि उत्तर प्रदेश की जो युवा हैं उन्हें आगे चलकर किसी तरह का जो तकलीफें देखने को मिलती थी, परीक्षाओं को लेकर दिक्कतें होती थी, अन्याय कहीं ना कहीं होता था, कहीं ना कहीं वो खत्म होगी और आगामी परीक्षा की तैयारी में आयोग अब जुट चुका है। चलिए बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, जहां पर अब दो महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, महिला सरपंच सम्मानित होंगी। दिल्ली में मिलेगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, 4 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी। कालसी की निकिता चौहान भी सम्मानित होंगी, बागेश्वर की कविता देवी का सम्मान किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो नाम है वो चयनित किए गए हैं, जिसका अब सम्मान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया जाएगा। 4 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, उस दौरान दो महिला सरपंच सम्मानित होंगी उत्तराखंड की। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की, और सोनू, उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा गौरव का दिन होगा 4 मार्च। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमृता, क्योंकि एक मैसेज इससे पूरे देश भर में तो जाएगा ही जाएगा, उत्तराखंड की महिलाओं को भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हैं खास तौर से उनको एक प्रेरणा मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित खास तौर से उत्तराखंड की नारी शक्ति होगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी इनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी, और साफ तौर पर सरकार के मुखिया का ये मानना है कि ये जो है एक गौरव का पल है, और खास तौर पर जब महिलाओं को जल संरक्षण को लेकर के सुजल शक्ति सम्मान दिया जा रहा है तो ऐसे में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आने वाले समय में जब ये सम्मान समारोह शुरू होगा राष्ट्रपति विज्ञान भवन में, राष्ट्रपति के हाथों से ये सम्मान दिया जाएगा, तो उस दौरान एक सप्ताह भर विभाग जो है वो महिला सशक्तिकरण को मना रहा होगा, तो जो महिला दिवस है उसको उसके अवसर पर ये सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में महिलाओं को सम्मानित करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये कि और महिलाओं को प्रेरणा मिल सके और जल संरक्षण किया जा सके। तो ये जो कवायद है ये सरकार पहले से भी कर रही थी, और अब इसके परिणाम के स्वरूप हम ये दे सकते हैं कि उत्तराखंड की दो महिलाओं को पुरस्कार दिया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका फल और इसका फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। बिल्कुल सोनू, लगातार हम देख रहे थे सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयासरत थी, बढ़ावा दे रही थी, और अब एक और प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ उत्तराखंड की दो महिला सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से उन्हें नवाजा जाएगा, और 4 मार्च को वो दिन होगा उत्तराखंड के गौरव के लिए, जब महिलाओं के गौरव के लिए, जब राष्ट्रपति मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। कालसी की निकिता चौहान सम्मानित होंगी, बागेश्वर की कविता देवी का सम्मान किया जाएगा, और इससे जो महिलाएं होंगी उत्तराखंड की, तमाम महिलाएं जो इस ओर कार्य कर रही हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से काम करना है ताकि प्रदेश का नाम रोशन हो सके देश भर में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर अनाथ बच्चों के लिए अब मदर मिल्क बैंक बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर अब अनाथ बच्चों के लिए बनेगा मदर बैंक बिल, और उत्तराखंड में सरकारी क्षेत्र में देश का ये पहला मदर मिल्क बैंक बनने जा रहा है। उस मिल्क बैंक के माध्यम से तमाम नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा दूध। तो देखिए जो लोग
नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरी में जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं जो नवजात बच्चे होते हैं, एक बड़ी कहीं ना कहीं जो माताएं होती हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन अब वो जो समस्याएं होंगी वो दूर होंगी और खासकर जो अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए मदर मिल्क बैंक बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी क्षेत्र में ये देश का पहला मदर मिल्क बैंक बनने जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, अब अनाथ बच्चों के लिए मदर मिल्क बैंक बनाया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? अब देखिए, ये जो कोशिश की जा रही है विभाग के माध्यम से, निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है, एक अच्छी पहल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो है मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा। और ये देश का पहला ऐसा बैंक होगा जहां जरूरतमंदों को, छोटे शिशुओं को जो है वो दूध उपलब्ध कराया जा सके। जैसा आपने स्वयं भी जिक्र किया कि इसकी कहीं ना कहीं अनाथ बच्चों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और ये एक प्रेरणा भी बनेगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको वास्तव में जरूरत होती है और उनको दूध नहीं मिल पाता, चाहे उसके कारण जो भी हो, उनकी माता का निधन हो या अन्य जो कारण हो, और इससे जो जो बच्चों का मृत्यु दर है उसको भी कम किया जा सकेगा। खास तौर से जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के उद्देश्य से ये परिकल्पना की जा रही है। और आने वाले समय में विभाग इसको जब धरातल पर उतारेगा तो इसका फायदा खास तौर से अनाथ बच्चों को मिल पाएगा और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी गीता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सोनू, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें कि ये पहला देश का उत्तराखंड होगा जहां पर सरकारी क्षेत्र में देश का पहला मदर मिल्क बैंक बनने जा रहा है। इस मिल्क बैंक के माध्यम से तमाम नवजात शिशुओं को जो दूध होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। खासकर अनाथ बच्चों के लिए मदर मिल्क बैंक बनाया जा रहा है। चलिए, बड़ी खबर आप मिल रही है देहरादून से, जहां पर अब जोशीमठ में जल्द मुआवजा मिलेगा। क्षतिग्रस्त भवनों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट आते ही मुआवजे का जो वितरण है वो किया जाएगा। शासन ने चमोली प्रशासन को इसके लेकर निर्देश जारी करके प्रभावितों का पूरा ब्यौरा तैयार रखने के भी निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की। और सोनू, जोशीमठ में जो लंबे समय से मुआवजे को लेकर इंतजार किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं वो जल्द खत्म होगा। देखिए, तमाम जो प्रभावित लोग हैं जोशीमठ के, वो लगातार सरकार की ओर देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुआवजा राशि सरकार तय कर चुकी है वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि इसमें रिपोर्ट आनी है खास तौर से विशेषज्ञों की। रिपोर्ट आते ही जो संस्थान है उनकी रिपोर्ट आते ही इनको मुआवजे का वितरण कर दिया जाएगा। सरकार कैबिनेट में पहले ये फैसला ले चुकी है कि किस तरह से, किस अनुपात में, कैसे इनको मुआवजा दिया जाएगा, इसका प्रारूप तैयार किया जा चुका है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी संस्थानों की, तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आते ही मुआवजा राशि जो है वो वितरित कर दी जाएगी। पहले कैबिनेट जो हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि किस सर्किल रेट के हिसाब से भूमि की जो दरें हैं उसका मुआवजा खासतौर पर प्रभावितों को दिया जाएगा। जो क्षतिग्रस्त असुरक्षित भवन है इनका जो ध्वस्तीकरण किया गया है, जहां पर लोग नहीं रह सकते हैं, इनका मुआवजा कैसे दिया जाएगा, अब इंतजार हो रहा है। जो तकनीकी संस्थान है जो इसमें लगातार रिसर्च कर रहे थे, जो शोध कर रहे थे, और विशेषज्ञ जो हैं, विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची थी, उनकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके बाद इन प्रभावितों को मुआवजा राशि वो वितरित कर दी जाएगी। जी अमृता, बिल्कुल सोनू, जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था मुआवजे का, कहीं ना कहीं वो इंतजार प्रभावितों का खत्म होगा। शासन की ओर से कैबिनेट की मंजूरी के बाद जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए भवनों की मुआवजा नीति जारी की जा चुकी है और इसके तहत आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा तय किया गया है। वो प्रभावितों को अब जल्द ही दिया जाएगा। आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आते ही जो मुआवजा है वो प्रभावितों को दे दिया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं पौड़ी के मंडल कार्यालय से रोस्टर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई के कनेक्टिविटी की योजना के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और क्या कुछ निर्देश दिए हैं वो समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू से। सोनू, सीएम धामी ने पौड़ी के मंडल कार्यालय में रोस्टर बनाने के निर्देश दिए, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री को ये जानकारी मिली थी कि जो
जो पौड़ी का मंडल कार्यालय है खास तौर पर वहां पर अधिकारियों की आवाजाही थोड़ा कम हुई है और जो विकास के कार्य पौड़ी मंडल मुख्यालयों में जिनका निस्तारण कर दिया जाना चाहिए था उनके लिए अब आम जन को खास तौर से इस क्षेत्र के लोगों को पौड़ी जनपद के लोगों को राजधानी का चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने पूरे से पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हाल ही में भी पौड़ी का दौरा भी करके आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि पौड़ी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इससे संबंधित जो भी अड़चने आ रही हैं उनके प्रस्ताव शासन को भेजे जाए और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जो काम काज इसको आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया ने इसको गंभीरता से लिया है, लिहाजा अब जो अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी हैं जो मंडल मुख्यालय में तैनात हैं वो मंडल मुख्यालय में ही रहें और खास तौर पर यहाँ पर रोस्टर तैयार किया जाए ताकि जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, लोगों को राजधानी अनावश्यक रूप से ना आना पड़े और इसके साथ साथ जो विकास की योजनाएं हैं उनकी निगरानी भी मंडल मुख्यालय में बैठ करके की जाए और जो निर्देशक की जिम्मेदारी एक अधिकारी को यदि दे दी जाती है, दो दो जिम्मेदारी दे दी जाती है तो निर्देशक जैसी जो अहम जिम्मेदारी है वो ना दी जाए। खास तौर पर इसके साथ साथ जो हवाई कनेक्टिविटी है उस पर भी फोकस किया जाए, उसकी भी कार्य योजना बनाई जाए। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने पौड़ी के विकास को लेकर के जन समस्याओं के समाधान को लेकर के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं असर अधिकारियों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से सीएम धामी वहां पर पहुंचे थे दौरे के लिए उसके बाद से कहीं ना कहीं बदलाव यहां पर देखने को मिलेंगे। पौड़ी के मंडल कार्यालय में रोस्टर बनाने के निर्देश सीएम धामी ने जारी कर दी, हवाई कनेक्टिविटी की योजना बनाने के भी निर्देश दिए और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो अधिकारी वहां से नदारद होते थे अब सक्रिय नजर आएंगे क्योंकि अब अधिकारियों को बैठना वहां पर जरूरी होगा और जो पौड़ी की जनता है जिस तरह से राजधानी में चक्कर लगाने को मजबूर थी कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम रखेगी। चलिए बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है जहां चिकित्सकों को अब सरकारी नौकरी छोड़ना काफी महंगा पड़ेगा, करार थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा अधिक जुर्माना। स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, एमबीबीएस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, अब तक लगता था 5 लाख का जुर्माना। जुर्माना भरकर डॉक्टर छोड़ देते थे सरकारी सेवा लेकिन अब इस पर लगाम लगेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की, और सोनू चिकित्सकों को नौकरी छोड़ना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। देखिए जो तमाम युवा हैं जो मेडिकल सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं ऐसे युवाओं को जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कराने के लिए राज्य सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में रियायती दरों पर जो वो है पढ़ाई वो करवाती है, मतलब इतना बहुत ज्यादा अधिक उनसे खर्च नहीं कराया जाता और ऐसे में उनसे बॉन्ड भराया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस राज्य की जो जिस हिसाब से भौगोलिक परिस्थिति है पर्वतीय क्षेत्रों में उनको सेवा देनी होगी। और जब कोई भी युवा पढ़ाई करता है मेडिकल की और जब वो चिकित्सक बन जाता है उस तक बॉन्ड भरने के बाद वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो उसकी तैनाती की जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ समय रुकते हैं और उसके बाद फिर पहाड़ से जो ऐसे चिकित्सक है उनका मोह भंग होने लगता है और फिर वो जो बॉन्ड की शर्तें हैं उसको नहीं मानते और जो भी उनको उनको धनराशि जमा करनी होती है जुर्माने के तौर पर वो जमा करके वो फिर मैदानी क्षेत्रों में आना पसंद करते हैं। लिहाजा अब विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उन पर भी और जो एमबीबीएस डॉक्टर है उन पर भी अब काफी बड़ी धनराशि का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि जो बॉन्डधारी डॉक्टर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं दे सके। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा आवश्यक सेवाओं में है और ऐसे में इन आवश्यक सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया। आने वाले समय में देखिए जो भी चिकित्सक की पढ़ाई करेंगे जो चिकित्सक बनेंगे मेडिकल कॉलेज से निश्चित तौर पर जब उनके साथ बॉन्ड भरा जाएगा तो वो अब पहाड़ों में रुक सकेंगे और जो नहीं रुकना चाहेंगे जो अपनी सेवाएं नहीं देंगे उनको भारी भरकम धनराशि का जुर्माना भुगतना होगा। तो अब देखना होगा कि आखिर कितने चिकित्सक ऐसे हैं जो इस नियम को मान पाएंगे और इसका फायदा प्रदेश के जनमानस को खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं में मिल पाएगा। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी ज्यादा गंभीर और ऐसे में जो डॉक्टर सरकारी सेवा छोड़ दिया करते थे बीच में 5 लाख का जुर्माना भर के अब कहीं ना कहीं वो करना संभव नहीं होगा, जो ऑप्शन रहता था सरकारी डॉक्टर्स के पास वो खत्म हो जाएगा। चिकित्सकों को नौकरी छोड़ना जिस तरह से महंगा पड़ेगा, उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं एमबीबीएस की बात की जाए तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो देखिए अब जैसे ही सरकारी डॉक्टर बनेंगे उसके बाद ये सभी बातें ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगी। जो 5 लाख का जुर्माना पहले लगाया जाता था अब कहीं ना कहीं उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
के लिए। बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, जहां पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और खास तौर से मैदान से लेके पहाड़ तक पर्वतीय जनपदों में बारिश की और जो ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो 24 घंटे का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आने वाले समय में उत्तराखंड का मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि दूसरे इलाकों में जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। जी अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी की। तो बता दें उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अगले 24 घंटे में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।